अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान. और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हैरेस कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. डेवलपमेंट में कितना फ़र्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माय गॉड, डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच. मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज़ मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यस. एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है. आप देख लें, हर दुनिया में, हर जगह है वो, हर जगह. आज भी मैं बताता हूँ, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आज इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर आपका इंडिया का होगा. फिर हम जिससे मिलते थे ना अस्सलाम वालेकुम, तो वो कहते हैं वालेकुम सलाम, मतलब वो हिंदू होता था, हम कहते थे सलाम, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान और हमें थोड़ा सा बताएं आपके यहाँ पे नेटिव क्या प्रोडक्ट है जो हम लेके जाएं. मतलब देवा बिल्कुल नॉर्मल, मतलब हमें फिर तो हमें मतलब हम बिल्कुल ईजी हो गए थे, बोलते ना हम बिल्कुल खुला हो गए थे. कहाँ कहाँ घूमना हुआ? हम लोग दिल्ली घूमे थे, दिल्ली से फिर हम लोग ट्रेवल किए, दिल्ली पूरा घूमे हम लोग, द रेड फोर्ट घूमे हम, फिर वहाँ पे जो इनका श्री नारायण मंदिर गए थे हम, गुरुद्वारा गए थे हम लोग वहाँ पे, फिर वहाँ पे मतलब इनके जो मार्केट्स थी वहाँ पे घूमे थे हम लोग. कल्चर के बारे में बताएं, उनका कल्चर कैसा है, सकाफत कैसी है? कल्चर इज़ रियली गुड, कल्चर इज़ मल्टी कल्चर लैंड है वो बिल्कुल. वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन. तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे, मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्स्ड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर. लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो. मतलब पीपल आर लाइक Enjoying the life, मैं आपको बताऊं. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू. पाकिस्तान के अंदर लोगों का ये मानना होता है कि भारत के अंदर जो मुस्लिम है आज़ाद नहीं है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्म होता है, नमाज नहीं पढ़ सकते, त्यौहार नहीं मना सकते. ये सारी बातें जो है पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन जब कोई पाकिस्तानी घूमने आता है तो यहाँ पर क्या क्या देखता है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, इसी को लेकर एक वीडियो के अंदर बात की गई है. ये व्यक्ति भारत घूमने आया था, भारत के कई स्टेट घूम कर गया, तो हम लोग देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है भारत के बारे में, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में. 2000 बैक इन 2018 हम लोग ने अप्लाई किया था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, जो कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा तो अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने विजिट वीज़ा दिया था जो कि हमें अलॉट हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए. तो मगर हमने वहाँ पे 15 डेज का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज, 13 डेज थे. सो इट वॉज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश. तो इस तरह से हमारा टूर था. तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वाज रियली गुड, मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड पीपल न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान. और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हैरेस कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से, किसी ने किसी किस्म का मॉक तक नहीं किया. दे गेव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा. उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जा नमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल. तो हमने फिर नमाज अदा की. और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाय नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सुभान अल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था. मैं आपको बताऊँ, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट. सो ऑल द वे ट्रैवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसा कोई नाम था, आई डोंट रिमेंबर द एक्चुअल विलेजेस नेम, वी ट्रैवल फ्रॉम देयर, वी स्टूड देयर, वी स्टॉप्ड बाय देयर, हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था. फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की. सो वी स्टूड देयर फॉर लाइक अ वीक और मोर, और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का, कहीं ना वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान. डेवलपमेंट में कितना फ़र्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माई गॉड, डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच. मतलब मैं बताऊँ कि वहाँ का गांव इज़ मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यस. एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है. चोरी चकारा,
बेमानी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं वो, वहाँ पे औरतें भी मेहनत कर रही हैं, खैर यहाँ पे भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे बहुत करती हैं, मगर वहाँ पे ना इस तरह का ट्रेंड नहीं है। मतलब दे वॉन्ट टू ग्रो, इनका माइंड सेट है कि ग्रो करो, ये इस तरह से नहीं किसी बात को पकड़ के बैठ गए कि हिंदू है मुसलमान है वो इसी में फंस गए, ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग एक्चुअली राइट नाउ, दे आर ग्रोइंग फैबुलसली एंड दैट टाइम इन टू बैक इन 2018 दे वर एक्चुअली ग्रोन टू द मार्क। मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान में किसी सिटी के मुताबिक, या मैं बताऊं मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है, और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट के एवरी सेकंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। पता है हम तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में तो भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं देखें, जहालत तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत है, और गुर्बत तो यहाँ भी बहुत है, गुर्बत वहाँ भी है, बट नॉट इस तरह का नहीं है कि हर बंदा रो रहा है वहाँ, जिस तरह हम यहाँ पर हैं। आप किसी सेकंड पर्सन को पूछें कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, भाई महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने ये कर दिया है, अच्छा वहाँ पर क्या है, मैंने देखा था, क्योंकि मैं तो 2018 की बात करूँगा, उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता, वहाँ पर फैमिली के अंदर ना सब कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, बहनें भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है। अब क्या है कि पूरा घर को क्लब करके ना वो बेहतरीन किस्म का चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा क्या है कि एक बाप कमा रहा है या दो बाप माँ कमा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खालाएँ भी खा रही हैं, ताए भी खा रहे हैं, मतलब इस तरह का ना कॉन्सेप्ट इनका कि सब मेहनत कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, मतलब रोते हुए मुझे कोई बंदा नज़र नहीं आया कि भाई हम मर रहे हैं गुर्बत से या परेशान हैं गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आया वहाँ पर। दे वर ईटिंग वेरी गुड, इनका डेयरी, इनका एग्रीकल्चर और मतलब वेजिटेबल्स देज वर लाइक वेरी टेस्टी, और उनका मतलब टेस्टी अलग है, हाँ उनका मतलब काफ़ी चीज़ें अलग। यानी आपको इंडिया के खाने और वहाँ की सकाफत बहुत पसंद आई? मुझे पसंद आई है, मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, क्योंकि असल में ना उनका मेंटल लेवल बहुत आगे मेंटल लेवल आगे, वो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो इस तरफ स्टक नहीं हो चुके हैं जिस तरह हम स्टक हो चुके हैं। देखें रही बात रोड पर सोना, रोड पर यहाँ पर भी सो रहे हैं, ट्रेन के पाटा हो पे आज भी सो रहे हैं, सीधी बात है, चाहे वो कराची है, मुझे लाहौर का मैंने देखा नहीं है, कराची में अभी भी ट्रेन के पाटकों के पास ना लोग झोपड़ियाँ बना के सो रहे हैं, यहाँ पे उसी तरह वहाँ पर भी है, सही है ना। जो मुझे सबसे बेहतरीन लगा ना उनका स्टेट ऑफ माइंड, उनका जो सोच है ना, उनका जो दिमाग है ना वो बहुत खुला है। कहाँ कहाँ घूमना हुआ? हम लोग दिल्ली घूमे थे, दिल्ली से फिर हम लोग ट्रेवल किए, दिल्ली पूरा घूमे हम लोग, द रेड फोर्ट घूमे हम, फिर वहाँ पे जो इनका श्री नारायण मंदिर गए थे हम, गुरुद्वारा गए थे हम लोग वहाँ पे, फिर वहाँ पे मतलब इनके जो मार्केट्स थी वहाँ पे घूमे थे हम लोग, फिर वहाँ से हम ट्रेवल करके हम लोग मतलब तकरीबन 4-5 घंटे का सफ़र था टू यूपी ना, उत्तर प्रदेश गए थे हम लोग, तो वहाँ पे शेरकोट है, तो वहाँ से फिर ट्रैवल करते करते हम स्टॉप ओवर करते गए थे, सो मतलब हम पहुँचे तो हम खैर 5 घंटे का सफ़र था, कुछ 7-8 घंटे में पहुँचे थे, हम स्टे ओवर किया वहाँ पे, थोड़ा मोटल्स में स्टे किया, चाय के ढाबे पर स्टे किया, कहीं पर रेस्टोरेंट पर हमने खाना भी खाया, सो दैट वॉज द टूर। देन टू शेरकोट वी वेंट, फिर शेरकोट से हम लोग वहाँ से हम लोग का प्लान बना था कि हम लोग वापस रिटर्न टू दिल्ली हुआ था, क्योंकि वी टुक द परमिशन फॉर दिल्ली एंड टू उत्तर प्रदेश शेरकोट। क्या लेकर आए अपनी फैमिली के लिए इंडिया से? इंडियन हम लोग क्राफ्ट्स लेके आए थे, फिर क्लोथ्स मतलब साड़ी वगैरह लेके आए थे वहाँ से, तो साड़ीज़ आर फैबुलस एंड वेरी चीप। उस टाइम जब हम गए थे तो इंडियन करेंसी हमें पड़ी थी 1.82 रुपीज़ का पड़ा था, तो हमें इतना फ़र्क नहीं महसूस हुआ था, तो साड़ीज़ वर लाइक 2000 रुपये में साड़ी, जो कि उस टाइम भी यहाँ पे मुझे याद है कि 2-3 हज़ार का हमारे यहाँ पे शलवार कमीज़ का सूट होते थे, तो साड़ीज़ हम काफ़ी लेके आए थे वहाँ से, तो उनके साड़ीज़ बड़ी कॉमनली और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है जो कि यहाँ पे बेच रहे होते हैं, सो वी बॉट अ लॉट ऑफ साड़ीज़ फ्रॉम ऑल ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ओवर हियर, तो हमने वो गिफ्ट ऑफ किया था। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि जब पाकिस्तान के लोग वैलिड जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ में उनको वीज़ा मिलता है तो घूमने आते हैं, तो लोग किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ मुस्लिम नहीं रहते हैं, कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं रहती है, तो लोग जब इनको देखेंगे तो बहुत चौंक जाएंगे। हमारे यहाँ पर तो घर के बाहर आप निकलिए तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में कोई भेदभाव नहीं होता, आप कहीं पर भी जाकर खा सकते हैं, कहीं पर भी रुक सकते हैं, और किसी होटल के अंदर जाकर आप कुछ भी जो है अगर डिमांड करेंगे तो वहाँ पर जो अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। और जो
जो होटल वाले हैं उनका ये मानना होता है कि हमारे यहाँ पर जो गेस्ट आया उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी वजह से जब इन्होंने नमाज के बारे में पूछा तो उन्होंने जो यथासंभव हो सकती थी वो मदद की। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है और वहाँ पर ये पहले से बताया जाता है कि हम हिंदुओं से अलग हुए हैं, उनके साथ हम रह नहीं सकते थे। ये लोगों के दिमाग के अंदर 100% आता होगा कि हम भारत जा रहे हैं, वहाँ पर हिंदू ज़्यादा रहते हैं और हमने बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं जिसमें कई बार जो है हिंदू जो है उनके ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, जो प्रोपेगेंडा वीडियो होते हैं पाकिस्तान के अंदर चलाए जाते हैं। इनके अंदर इनके फैमिली के अंदर जो है ज़रूर ये डर रहता होगा कि भारत जाएंगे तो कहीं उल्टा सीधा कुछ ना हो जाए। लेकिन जब यहाँ पर कोई आता है और यहाँ पर जो मल्टी कल्चरल थिंग्स हैं जैसे कि रिलीजन हो गया या फिर पहनावा हो गया हमारा या हमारी जुबान हो गई, वो देखता है तो चौंक जाता है। यहाँ पर एक और खास बात है कि आप पूरी भारत के अंदर कहीं पर घूमिए वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन वो जब बात करते तो कहते हैं हम भारतीय हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ नहीं है। जैसा कि ये बता रहे थे कि हम पंजाबी बन जाते हैं, सिंधी बन जाते हैं, कोई बलूचिस्तान का बन जाता है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान के नहीं बन पाते हैं। लेकिन भारत के अंदर ये गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट पर इन्होंने बात की, यहाँ के जो लोग थे उनका जो बिहेवियर था उस पर बात की और खासकर रिलीजन को लेकर बात की कि हम लोग एक रिलीजन को लेकर बैठ गए हैं लेकिन भारत के अंदर लोग रिलीजन को जो है अपने आप तक रखते हैं, घर तक रखते हैं और इसी वजह से भारत तरक्की कर रहा है। ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।